दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एनके शर्मा। द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी आंखें खोलते हैं, आपको नए नए विषय से परिचय करवाते हैं और सदियों पुराने अंधविश्वास, पाखंड से और भय से आपको मुक्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, हाउ रॉ फूड कैन बी हार्मफुल इफ़ यू आर मिसगाइडेड। दोस्तों, अपक्वाहार यानी कि रॉ फूड खाकर आप कई बार अनजाने में अगर आपको गलत मार्गदर्शन मिलता है तो आप उससे कैसे नुकसान उठा जाते हैं और फिर रॉ फूड जो है वो बदनाम हो जाता है। दोस्तों, रॉ फूड यानी अपक्वाहार जो आग और मशीनों से बर्बाद नहीं किया गया हो, जो प्राणवान है, जो पूर्ण आहार है। क्या ऐसा आहार भी हमें नुकसान कर सकता है? थोड़ा सुनने में अटपटा तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन जी हाँ, रॉ फूड के बारे में अगर आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला है तो आप रॉ फूड से कई तरह के नुकसान उठा सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि हम लोग 40 वर्षों से अपक्वा आहार का मूवमेंट भारत में चला रहे हैं, विश्व भर में चला रहे हैं, और विश्व भर में हमारे लाखों लाखों साधक रॉ फूड के साथ जुड़ चुके हैं। मेरे अपने अस्पताल में 20 साल मैंने अग्नि रहित यानी कि फायरलेस किचन चलाया है और कैंसर एवं असाध्य मरीजों पर इसका प्रयोग कर मैंने इसका चमत्कारिक लाभ उठाया है। आज हम स्वयं, मेरा परिवार मैक्सिमम रॉ फूड का आनंद उठाते हुए रोग मुक्त, स्वस्थ व ऊर्जावान है। इसलिए रॉ फूड विज्ञान पर हमारी गहरी पकड़ है, हमारा गहरा अनुभव है। इसी कारण इसके हर लाभ और हानियों को मैं समझा सकता हूँ। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के नुकसान हम अनजाने में अज्ञानतावश उठा जाते हैं। दोस्तों, रॉ फूड और नुकसान ये शब्द साथ साथ में जमते तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से गलत मार्गदर्शन से लोग इसका नुकसान उठा रहे हैं वह ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नुकसान है तुरंत रॉ फूड पे आ जाना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग रॉ फूड के फ़ायदे सुनकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि पका हुआ खाना छोड़कर तुरंत रॉ फूड पर आ जाते हैं। अगर आप अति आहार के शिकार हैं, बगैर भूख के खाने के आदि हैं, आपकी भूख थोड़ी कमज़ोर हैं, तो तुरंत रॉ फूड पर आना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब शरीर आपके अति आहार के बोझ से मुक्त होकर सामान्य होने लगता है तो आपकी ज़ोरदार भूख खुलने लग जाती है। इसके बाद आपको फल सलाद से भूख नहीं मिटती तो आप परेशान होकर ठोस खाना खाना चाहते हैं और खाने की क्रेविंग भी आती है और मन से अब लड़ाई करने लग जाते हैं और अक्सर भटक कर फिर अपने पुराने वाले आहार पर आ जाते हैं और रॉ फूड और पके हुए आहार के बीच लड़ाई कर रहे होते हैं। तो मेरा सुझाव है कि तुरंत रॉ फूड में 100% जंप ना करें, 50-50 का फॉर्मूला अपनाएं, यानी कि रॉ फूड 50% बढ़ा दें और कुक फूड अन्न दालें जो भी या नॉनवेज जो भी आप खाते हैं वो 50% आप कम कर दें, क्योंकि हैवी प्रोटीन, स्टार्च एवं खाने के कारण आपकी पाचन ग्रंथियां एनलार्ज होकर ओवर सीक्रेटिव हो जाती है और पेट यानी आमाशय का साइज भी सामान्य से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, बल्कि कई बार तो 10-10 गुना भी उसका आकार बढ़ जाता है। इस कारण आपको रॉ फूड पर पेट खाली खाली लगता है। इसलिए शुरुआत में सुबह शाम फल खाएं, पेट भर, और लंच और डिनर में अच्छी मात्रा में सलाद और अंकुरित खाकर ही आपका सामान्य अनाज दालों वाला भोजन करें, जो 50% आधा हो जाना चाहिए। और अगर आप अन्न से बचना चाहते हैं तो आप उसका एक बेटर सब्स्टिट्यूट यानी कि विकल्प जो है वो है कि आप सलाद सब्जी के साथ आप सिर्फ मेवे खा सकते हैं या मेवों का दूध पी सकते हैं या मेवों का क्रीम बनाकर सलाद सब्जी में डाल सकते हैं। यानी तो अंकुरित दालें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंकुरित दालों का भी आप उसको
स्टीम करके भी ले सकते हैं, कभी आप कच्ची भी ले सकते हैं, और या नहीं तो आप भुने हुए आलू ले सकते हैं, या नहीं तो आप भुने हुई शकरकंद ले सकते हैं, या भुट्टे के दाने खा सकते हैं, या नहीं तो आप सोयाबीन का पनीर जिसको आजकल तोफू कहा जाता है वो आप तोफू ले सकते हैं, और बीच में इच्छा करें तो आप जूस भी ले सकते हैं। इस तरह पका हुआ खाना एवं कम अनाज खाते हुए आप रॉ फूड को अपनाएंगे तो आप दोनों जगत का आनंद ले पाएंगे और बड़ी सहजता से रोग मुक्त होकर स्वास्थ्य के मार्ग पर पहुंच जाएंगे और बड़े आराम से लंबे समय तक या जीवन भर दोनों जगत का आप आनंद ले पाएंगे। और दूसरा कारण है दोस्तों कि अति हमेशा दुखदायी होती है। कई लोग रॉ फूड के ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि पके हुए आहार अन्न दाले मसालों के दुश्मन हो जाते हैं। दोस्तों हमें परम स्वास्थ्य के दर्शन जरूर करने हैं लेकिन अति में जीकर नहीं, समाज परिवार के साथ एक संतुलित स्थापित करते हुए एक जागरूकता के साथ अपनाएं, यानी कि फैनेटिक यानी कि कट्टर होके नहीं। इसलिए सिंपल सा सूत्र ये अपनाएं कि अधिक से अधिक रॉ फूड और कम से कम कुक फूड, और शरीर को इतना सॉफ्ट और कमजोर भी बनाकर नहीं रखें कि कभी कोई तला हुआ या भारी खाना खाना पड़ जाए या कोई मिठाई खानी पड़ जाए या थोड़ी मिर्ची मसाले खाने पड़ जाएं तो शरीर आपका परेशान हो जाए। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि हल्का सा नमक, जो सेंधा नमक रॉक सॉल्ट हो, और नॉर्मल रिफाइंड सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाना है, और हल्की सी मात्रा में थोड़ा तेल जो रिफाइंड ना हो, जो कोल्ड प्रेस्ड हो, और हल्की सी मात्रा में बहुत हल्की से गर्म मसाले या मिर्च जो है, जिसे कभी कभार परिवार समाज के साथ इनका आहार लेना पड़ भी जाए तो शरीर बड़ी आसानी से उसको बर्दाश्त कर सकें। मैं 100% अन्न दालों से मुक्ति के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अन्न दालों की आदत न रहने पर हमारी पाचन ग्रंथियाँ सामान्य अवस्था में लौट आती है, और चूँकि अन्न दालें जटिल स्टार्च हैं ये अधिक पाचक रस की मांग करवाते हैं, इसलिए थोड़ी मात्रा में अन्न दालें खाने से या खाते रहने से पाचन ग्रंथियां थोड़ी उसकी आदी रहती है। और तीसरा कारण है दोस्तों कि चेहरे पे चमक और वजन संतुलित होना चाहिए। दोस्तों जिनका वजन काफ़ी अधिक है वो लोग तो रॉ फूड पर लंबे समय तक रहकर वजन को कम करते जा सकते हैं, परंतु जिनका वजन सामान्य है या कम है, यानी कि 50 किलो से 75 किलो के बीच हैं, ऐसे लोगों को अपना वजन ज़्यादा कम नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए वे अधिकतर रॉ फूड पर तो रहें परंतु वजन संतुलित करने वाले आहार पर भी जरूर जोर दें, जैसे अच्छी मात्रा में अंकुरित अन्न जरूर खाएं, वसा युक्त नट्स सीड्स यानी कि नारियल मूंगफली, अगर संभव हो और आर्थिक स्थिति आपकी अलाउ करती है तो आप बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, इनका भी आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, या नट मिल्क बनाकर या मिल्क शेक बनाकर भी आप अवश्य पिएं। फिर भी वजन अगर कम होता जा रहा है तो फिर आपको आलू या शकरकंद या भुट्टा या सिंघाड़ा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दिन में एक बार अपनी पसंद का स्वास्थ्यवर्धक पका हुआ पूर्ण अन्न जरूर खाएं। अगर आपके चेहरे पर चमक, खुशी और आनंद नहीं है और आपका शरीर दुबला पतला है तो आप रॉ फूड को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों रॉ फूड जो है ये परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ आहार है, आप धरती का सर्वश्रेष्ठ आहार खा रहे हो, तो इसीलिए रॉ फूड खाकर मन में कहीं भी कोई कमी महसूस ना करें कि मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ या मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ। समाज में भीड़ में सबसे बढ़िया चेहरा, सुंदर चेहरा, शरीर का सुडोल वजन रॉ फूड वालों को ही होना चाहिए। चौथा कारण, केवल फल, केवल सलाद, केवल अंकुरित, केवल जूस, केवल उबली सब्जी पर कभी न रहें। जी हाँ दोस्तों, ये आहार रोग से मुक्त होने के लिए और वजन कम करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं, परंतु लंबे समय तक अगर आप इन अकेले आहारों पर रहते हैं तो आपको हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इससे आप प्रोटीन वसा की कमी से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप कभी भी ध्यान में रखें कि नट्स सीड्स, यानी कि नट्स का मतलब आप जानते ही हैं कि नारियल मूंगफली अखरोट बादाम पिस्ता मूंगफली जो भी है, और सीड्स यानी कि सनफ्लावर सीड्स हैं, मेलोन सीड्स हैं,
खरबूजे तरबूजे के बीज हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, तो और अंकुरित अन्न का अच्छी मात्रा में जरूर सेवन करें। सस्ता महंगा आपकी मानसिक समस्या और तुलना है। फाइबर युक्त हल्की सी मात्रा में अगर आप अन्न दाली भी खाते हैं तो उसके भी छिलके आपके विटामिन बी की कमी को पूरा कर देते हैं। शरीर को बहुत ज़्यादा आहार की आवश्यकता नहीं है। रॉ फूड पर रहते रहते आपका शरीर धीरे धीरे सही पोषण तत्व मिलने के कारण बहुत कम से कम आहार पर बड़े आराम से जीने लग जाता है। फल और मेवों पर कभी शरीर कुपोषित नहीं हो सकता, पके हुए आहार और अन्न दालों से तो जरूर हो सकता है। और अंत में पांचवा जो कारण है दोस्तों, वो है कि जिन लोगों को रॉ फूड से गैस बन जाती है, जैसे विशेषकर सलाद अंकुरित दालों से, उन्हें हमेशा फल, मेवे, मेवों का दूध, शेक एवं उबली हुई सब्जी, पकाए हुए अंकुरित दालों पर अधिक रहना चाहिए, जिससे शरीर की अम्लता धीरे धीरे कम होने लगे और आपको सलाद जो है हजम होने लगे। फिर धीरे धीरे जो सलाद आपको पचने लगे वह शुरू करना चाहिए थोड़ी मात्रा में। फिर भी ना पचे तो गर्म पानी में 15 मिनट भिगोकर उस पर थोड़ा काला नमक, जीरा, काली मिर्च जैसे चाट मसाला लगाकर उसको खाना चाहिए, जिससे आपको पचने में आसानी हो जाए। और दूसरी बात, और एक बात ध्यान में रखें कि रॉ फूड वाले को कभी भी योगिक जो षट क्रियाएं हैं, जैसे कुंजल है, वमन है, धोती है, जल नेति है, सूत्र नेति है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। एक दो दिन, दो चार दिन कभी उपचार के लिए करना हो तो ज़रूर कर लें, और अगर आपने नियमित करना शुरू कर दिया तो आप इसके नुकसान से बच नहीं सकते। ये मेरा ठोस अनुभव है, क्योंकि ये उपचार है और उपचार को उपचार तक ही सीमित रखें। और कभी भी, एक बात और भी ध्यान में रखें दोस्तों, कि रॉ फूड वाले को कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉ फूड अपने आप में उपवास है। दोस्तों, उपवास की प्रथा इसलिए निकाली गई कि लोग जो है मसालों के थ्रू और पका पका कर ज्यादा खाने के आदि हो गए, इसलिए फिर उपवास के नियम अपनाने पड़े। आप उपवास जैसे शब्दों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि रॉ फूड अपने आप में ही उपवास है। हाँ, आप धर्म के नाते, आप धार्मिकता के कारण अगर आपको कोई उपवास करने की जरूरत पड़े तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, रॉ फूड वालों के लिए खाने का कोई समय नहीं होता। आप चाहे सुबह खाएं, आप रात को खाएं, आप रात को 12 बजे खाएं, रॉ फूड वालों का कोई नियम नहीं होता, भूख ही नियम है। दोस्तों, अगर आपका शरीर आपसे मांगे ना तो आपका खाना 100% पचेगा। इसीलिए ये कभी मत सोचिए कि मैं शाम को फल खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं सलाद खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं मेवे खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं ये सब चीज़ें आप उठाकर फेंक दें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 40 साल से प्रयोग करके मैंने इसके बहुत बारीकियों को समझाया। इसीलिए आप एंजॉय करें रॉ फूड को, बस अपनी भूख को मेजरमेंट करके रखें। समाज परिवार का मजा लेते हुए अगर आपको खूब आनंदपूर्वक जीना है ना, तो 10% आप अपनी पसंद का भी आहार कभी कभार जरूर खाएं। अब वो चाहे घटिया आहार हो, जंक फूड हो, भारी आहार हो, तला हुआ हो, कि मिठाई हो या नमकीन हो, इसकी बिल्कुल चिंता न करें। दोस्तों, जीवन एक कला है जिसमें हमें हर चीज़ का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको इनमें आनंद महसूस होता है तो इससे आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इनका पूरा मज़ा लें और कभी गिल्ट फील ना करें कि मैंने आज घटिया खाना खा लिया। दोस्तों, पहली बात बता दूँ, आप जितना रॉ फूड पे रहते चले जाओगे ना, तो पहली बात आप को ये आहार धीरे धीरे अच्छे भी नहीं लगेंगे। लेकिन कभी ऐसा ऐसा मौका समाज में आ ही जाता है, परिवार में, शादी ब्याह में आ ही जाता है, कि जहाँ पर आपको खाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आप, और आपको अच्छा भी लगता है, तो आपको इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं खाना कभी मत सीखो, कम खाना सीखो, तो दोस्तों आप दोनों वर्ल्ड को एंजॉय कर पाएंगे। यूँ तो रॉ फूड पर अधिक समय रहने के बाद ये आहार आपको कभी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको खाना भी पड़ जाए तो कम खाना सीखें। इससे भागना, लड़ना या विरोध करना कभी नहीं सीखें, और मन में इनके प्रति कभी घृणा भाव न लेकर आएं। इन आहारों को घृणा की दृष्टि से न देखें, क्योंकि आप इनमें से ही निकले हुए हैं और आपने कई सालों तक इसको खाया है। इसीलिए इन आहार के प्रति एक जागरूकता रखें कि ये आहार शरीर के लिए उतने स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, इसलिए मुझे इनके ऊपर कम जोर देना है। दोस्तों,
आपकी अच्छी जो दीर्घायु है ना, वो आपके आनंद, शांत, तनाव रहित, रचनात्मक मानसिक स्थिति पर निर्भर है। आहार तो दूसरे नंबर पर है, इसलिए रॉ फूड का पूरा मजा लेना है ना, तो ध्यान करें, प्रकृति के साथ जिएं, प्यार करें, रचनात्मक बने रहें, भोले रहकर हमेशा सीखते रहें, तो फिर आप जीवन को पूर्ण योग, परम योग के साथ आप जोड़ पाएंगे। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं, और आशा है आपको थोड़ा सा रॉ फूड के बारे में जो भ्रम था वो आपका जरूर मिटा होगा। तो मैं आपको शुभकामना देते हुए आपसे विदा लेता हूं।